उसके बाद आता है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। अब मैं आपको गाइड कर रहा हूँ टूवर्ड्स क्लाइंट्स, कि आपके पास क्लाइंट्स कैसे आएंगे, मेरा अपना एक्सपीरियंस उस चीज़ का। अब होता क्या है, वर्डप्रेस दो तरह का है, एक वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी है, एक वर्डप्रेस डॉट कॉम है। अब जो वर्डप्रेस डॉट कॉम है वो सेल्फ होस्टेड है। लाइक लेट्स सपोज अगर आपने वर्डप्रेस डॉट कॉम पर जाके काम करना है, तो आपको उसके अंदर फाइल आपको क्या कहते हैं होस्टिंग परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जाके एक डोमेन लिखो, इवन डोमेन भी परचेज ना करो, आप सिर्फ जाके डोमेन लिखो, होस्टिंग वो आपको प्रोवाइड करें, लेकिन वो बड़ी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते हैं जिसका यूज़ आपको करना पड़ता है। लाइक आप थीम कोई अपलोड नहीं कर सकते हो, उनके पास थोड़े से थीम्स होते हैं और बड़े फजूल से थीम्स होते हैं, आपको वो यूज़ करने पड़ते हैं। और जो वर्डप्रेस डॉट कॉम है ये मेनली ब्लॉगिंग के लिए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो जब आप SEO करते हो तो SEO में एक चीज़ होती है वेब 2.0, यानी कि लेट्स सपोज अगर आपकी एक वेबसाइट है, आपने उसको रैंक करना है, तो आपको उसके बारे में ब्लॉग्स लिखना पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि हर बंदा नई डोमेन परचेज करे और ब्लॉग लिखे, नई डोमेन परचेज करे और ब्लॉग लिखे। तो लोग क्या करते हैं, वर्डप्रेस डॉट कॉम पे जाते हैं, जाके सिर्फ अपना ईमेल देके साइन इन होते हैं और उधर जाके सिंपल एक ब्लॉग पोस्ट डाल देते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। लेकिन हमारा जो यूज है वो हमारा वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी का। वर्डप्रेस डॉट कॉम के लिए मैंने आपको कहा होस्टिंग की जरूरत नहीं है। इवन लेट्स सपोज आप डोमेन परचेज भी कर लो तो भी आपको होस्टिंग की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस डॉट कॉम के आगे होस्टिंग के चार पैकेजेस हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। लाइक उसके जो तीन पैकेजेस पहले हैं उसके अंदर आप यार ना प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो, ना थीम अपलोड कर सकते हो। जो मेन चीज़ है वो आपकी थीम्स और प्लगइन्स है, अगर आप उनको इंस्टॉल नहीं कर सकते हो तो आपका वर्डप्रेस किसी काम का है ही नहीं। लेकिन जो वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी है ये सेल्फ होस्टेड नहीं है, इसके लिए आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है, आपको डोमेन भी परचेज करनी पड़ती है, आपको होस्टिंग और डोमेन को कनेक्ट करना पड़ता है, और फिर आप जाके वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी यूज उसको इंस्टॉल करोगे और यूज़ करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने चीज़ यूज़ करनी है, जो हमारे पूरे लेक्चर्स में हम यूज़ करेंगे, वो हम वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी करेंगे। इस जगह तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। अच्छा, एक भाई पूछ रहे हैं कि वर्डप्रेस डॉट कॉम हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं सॉरी, ब्लॉगिंग के लिए हम वर्डप्रेस डॉट कॉम के अलावा भी कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये करें, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना ले, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करें, वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, और डेफिनेटली जो आप ब्लॉग बना रहे हैं अगर आप वो प्लगइन्स और थीम्स का यूज़ करके बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा बनेगा। वर्डप्रेस डॉट कॉम है वो आपको कोई कस्टमाइजेशन अलाउ नहीं करता, सिंपली आप एक जाके ब्लॉग पोस्ट कर देते हो, उसके अंदर कोई आप खूबसूरती यानी कि शशके होते वो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी यूज़ करना है। और इवन अगर आपने ब्लॉग बनाना है, आप कोई भी चीज़ लाइक अमेजोन अफिलियट ब्लॉग बना रहे हो, मैंने अमेजोन अफिलियट की ट्रेनिंग ज्वाइन की थी, वो आपको वर्डप्रेस, हर बंदा आपको वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी ही सिखाता है, वर्डप्रेस डॉट कॉम किसी काम का नहीं है। सिर्फ वो कब यूज़ होता है, वो SEO के लिए यूज़ होता है। अगर शायद किसी बंदे ने SEO पढ़ा तो उसको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ब्लॉगर के ऊपर और वर्डप्रेस डॉट कॉम के ऊपर आप मोस्टली ब्लॉग लिखते हो, ब्लॉग लिख के आप अपनी वेबसाइट को लिंक देते हो। लेकिन हमने किसको डिस्कस करना है, हमने इंस्टॉल भी वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी करना है, और उसके बाद हमने टोटली वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी को लेके चलना है। अब हम चलते हैं बैक लिंक्स के लिए, सही कह रहे हैं भाई। तो अब हम चलते हैं कि इंस्टॉल कैसे करना है वर्डप्रेस, ये सबसे मेन स्टेप है, ये अक्सर बच्चों को ये भी नहीं पता होता है। हमने क्या करना है, हमने होस्टिंग में जाना है। मैंने उस दिन आपको सी पैनल का बताया था कि सी पैनल जो आपका होस्टिंग का कोर है वो सी पैनल है। सी पैनल के अंदर हर चीज़ सी पैनल के अंदर है होस्टिंग की। ये अब आपका सी पैनल है सामने, स्क्रीन में क्लियर है ना, ये आपके सामने सी पैनल है। अब इधर से हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो सिंपल हमने उस दिन कुछ ऑप्शन स्टडी की थी, आज हम सिंपल वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। ये वेबसाइट आ रहा है, वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल वर्डप्रेस आ रहा है, मैं इसके अंदर चला जाता हूँ। इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हो ही जाएगा। चलिए ये आपके पास आ गया, मैंने इंस्टॉल वर्डप्रेस किया। अब लेट्स सपोज अगर आपके पास डोमेन सिर्फ एक ही है तो फिर तो आप वो सिलेक्ट कर लोगे, लेकिन मेरे पास मल्टीपल डोमेन्स है, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ही डोमेन्स है। तो मैंने क्या करना है कि मैंने अपनी डोमेन चूज़ करनी है जो कि मैंने की थी वूपी डॉट कॉम। अब ये मेरे पास वूपी डॉट कॉम, मैंने डोमेन सेलेक्ट कर ली। डायरेक्टरी मोस्टली आप एम्प्टी रहने दो, कोई इसकी ज़रूरत नहीं फिल करने की, मैं जाता हूँ नेक्स्ट चला जाता हूँ मैं।
ये आपके पास आ रहा है वो मैंने कंफर्मेशन नहीं की थी, मैंने कहा आई कंफर्म दैट इट इज सेव्ड ओवरराइट एनी कंटेंट इन दिस डायरेक्टरी एंड नेक्स्ट किया। अब ये आपके पास साइट टाइटल पूछ रहा है, इसको लेट्स सपोज अगर आप अभी चेंज करते हो या नहीं करते हो कोई इशू नहीं है, जब हम वर्डप्रेस को स्टडी करेंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा कि आपने टाइटल कैसे चेंज करना है, ईच एंड एवरीथिंग हमें वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद बात आती है कि यूजर नेम और पासवर्ड, ये जो पहले से आपको बता रहा है ये रेंडमली जनरेटेड पासवर्ड और यूजर नेम होता है, आपने रैंडमली जनरेटेड यूज़ नहीं करना आप, क्योंकि फिर सबसे पहली बात है कि यार पहले नोटपैड की फाइल बनाओ, फाइल के अंदर आप अपनी डोमेन का नाम लिखो, डोमेन के बाद उसका यूजर नेम लिखो, उसका पासवर्ड लिखो। अक्सर होता क्या है कि आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड होता ही नहीं, आपने इंस्टॉल कर लिया वर्डप्रेस, आपको याद नहीं रहा कि मैंने क्या रखा था, फिर इशू तो सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आपके पास सी पैनल की एसएस है, सी पैनल के अंदर से जाके आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, लेकिन बार बार जाके सी पैनल पे कौन वर्डप्रेस इंस्टॉल करे, बार बार जाके डिटेल्स कौन देखे, तो बेस्ट ये है कि आप इधर जब भी कोई लेट्स सपोज बनाते हो तो आप उसको कनेक्ट कर लो, आप इधर उसे नोट डाउन कर लो और ये अपना हर चीज़ में लिखा करो, लाइक लेट्स सपोज कोई क्लाइंट आता है तो फौरन उसकी डिटेल्स नोट डाउन कर ली, बजाय इसके हर बार फाइवर पे जाके डिटेल्स देखी फिर लॉगिन हुए, उसका फायदा नहीं। तो मैं कहता हूँ यार लेट्स सपोज मेरा यूजर नेम है वूपी, लेट्स सपोज मेरी साइट है तो मैं इसको वूपी ही कह देता हूँ यूजर नेम। अब वो कहता है पासवर्ड क्या है, पासवर्ड आप कोई भी रख सकते हो लेकिन लेट्स सपोज मैं इसका पासवर्ड रख देता हूँ, ये मेरे पास मैंने पासवर्ड रख दिया, मैंने नेक्स्ट किया, अभी मेरी इंस्टॉलेशन हो रही है वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हो रही है, तो इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल एक स्टेप है कि सी पैनल में गए वर्डप्रेस इंस्टॉल पे क्लिक किया, वर्डप्रेस इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने डोमेन कौन सी चूज करनी है, आपने डोमेन चूज कर ली, डोमेन चूज करने के बाद सिंपली आपने उसको यूजर नेम दे देना और पासवर्ड दे देना। अभी इस वक्त इंस्टॉल हो रहा है, अभी अगर किसी को कोई इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछता जाए। जी स्टूडेंट, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप रेज कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स को क्लियर किया करें, लेकिन अगर ट्रेनर पढ़ा रहा हो तो उसको केयरफुली आप पहले सुन लिया करें, उसके बाद जब आपसे सामा चुनके पूछता है हर टॉपिक को क्लोज करने के बाद तब आप सवाल रेज करते हैं, तब आप लोग सवाल नहीं रेज करते इन ड्यूरिंग जब सेशन हो रहा हो तो उस वक्त आप लोग सवाल कर रहे हो, तो अपने सवाल जरूर रेज किया करें यार। सर एक भाई पूछ रहे हैं कि उर्दू ब्लॉग अगर बनाना हो तो क्या किया जाए, लाइक इसके अंदर कोई वर्डप्रेस ऐसे इंस्टॉल होगा, या वर्डप्रेस बिल्कुल ऐसे ही इंस्टॉल होगा, सिर्फ हमने क्या करना है, हमने आगे जाके जब उर्दू ब्लॉग में आपको सिखाऊंगा, चौथा लेक्चर हमारा इंशाल्लाह ये इस पे ब्लॉग पे उर्दू ब्लॉग पे होगा, तो उसके अंदर हम देख लेंगे, लेकिन इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो आपको मैं स्टेप सिंपल बता रहा हूँ ये सेम टू सेम रहेंगे यार, चौथा लेक्चर उर्दू ब्लॉग पे होगा। अब ये आपका वो कह रहा है इंस्टॉलेशन क्लिक कंप्लीट हो गई है, मैं क्लिक हियर करता हूं तो वो मुझे बता देगा यार कि ये हमारे पास डोमेन है, ये हमारे पास पासवर्ड है। अब बेहतर तरीका ये है कि आप इसे सेव कर लो, सेव कर लोगे तो नहीं तो बार बार इधर आके यूज़ करना पड़ेगा। सिर्फ मुझे एक मिनट दो मैं इसे सेव कर लेता हूँ।